228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। जो केदारनाथ अपने इतिहास, पौराणिक कथाओं, ऊंचे पर्वतों से गूंजती मंदिर की घंटियों के धुन के लिए जाना जाता था, आज वहीं से विरोध प्रदर्शन की आवाज आ रही है। इस विरोध में आम लोग ही नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी और पुरोहित भी शामिल हैं। लेकिन इन सबके बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोने का घोटाला हुआ है। मंदिर से सोना गायब हो गया और उसकी जांच तक नहीं की गई। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहां का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने ऐसे आरोप उस समय लगाए जब वो उद्धव ठाकरे के आवास मातेश्री से निकले थे, तब मीडिया से बातचीत में ऐसा कहा। शंकराचार्य का कहना था कि इधर केदारनाथ धाम में 228 किलो सोने का घोटाला किया और दूसरी तरफ दिल्ली में धाम बनाया जा रहा है, अब यहाँ घोटाला करेंगे। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी इलाके में केदारनाथ धाम का भूमि पूजन हुआ है और यहाँ धाम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका विरोध हो रहा है।